मेरा नाम मुस्कान सेठी है, मैं नई दिल्ली से हूँ और मैं बॉम्बे करीब 2 या 3 साल से हूँ। और अभी मेरी मूवी रिलीज़ होने वाली है 1 सितंबर को। इट्स अ तेलुगु मूवी, मेरी डेब्यू फिल्म है और इसे पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया हुआ है। एंड सब जानते हैं पुरी जगन्नाथ जी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। इसमें नंदमुरी बालकृष्णन मेरे को स्टार हैं, हु इज़ अ वेरी वेरी बिग एक्टर इन साउथ। उनकी 101st फिल्म है, तो बहुत हाइप है इस फिल्म के बारे में, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं, आशाएं हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अगर बात करें मुस्कान जी, कितने बॉलीवुड में आपका क्या प्रोफाइल है? जी आई डोंट थिंक कि बॉलीवुड और टॉलीवुड कुछ सेपरेट होते हैं। मैं यहाँ एक्टिंग करने के लिए आई हूँ, तो मैं टॉलीवुड में स्टार्ट करूँ या बॉलीवुड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके। और बिकॉज़ ये एक अलग लैंग्वेज में था, ये मेरे लिए चैलेंजिंग था, तो दैट चैलेंज आई थिंक पीपल विल लाइक इट मोर दैट आई कुड स्पीक इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। और तो आप सब देखिए। और जैसे कि आप दिल्ली से हैं, दिल्ली से हैं तो आप पंजाबी बोल, पंजाबी हैं तो हिंदी जो दिल्ली की है मिक्स रहती है, बट उसमें तेलुगु बिल्कुल ही अलग है। जी तो कितना मुश्किल था आपके लिए स्टोरी जी स्क्रिप्ट को लेकर? तेलुगु सीखना काफ़ी मुश्किल था। मैंने बहुत सी रातें अपनी स्क्रिप्ट लर्न करते करते गुजारी हैं। और बहुत सीखने की कोशिश करी है आसपास के लोगों से, सेट पर, अपने मेकअप, अपने हेयर दादा, अपने कलीग्स सब से। तो काफ़ी मुश्किल था पर बहुत मज़ा आया। और मुझे हैदराबाद बहुत पसंद है और लैंग्वेज भी बहुत पसंद है, एंड आई वांट कि मैं उसी लैंग्वेज में उन लोगों से कम्युनिकेट कर पाऊँ। मुस्कान जी, ये जो कहते हैं या बॉलीवुड में कहते हैं कीड़ा, कीड़ा जी कब काटा आपको एक एक्टर बनने का? जी कीड़ा तो मुझे बचपन से था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया या बिलीव नहीं किया कि मैं सचमुच ये करना चाहती हूँ। पर इनफैक्ट मैं अमेरिका में पढ़ी हूँ, आई हैव डन इंटीरियर डिज़ाइन फ्रॉम प्रैट इंस्टीट्यूट। तो जब मैं वहाँ भी गई तो मेरा मन था कि मैं थिएटर करूँ, मैं ली स्ट्रैसबर्ग ज्वाइन करूँ, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ज्वाइन करूँ, लेकिन वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं एक करियर के तौर में ये चीज़ को लूँ। तो जब मैं वापस आई, मैंने 1 साल का कोर्स किया, मैं वापस आई, तो जब मेरी अंडर ग्रेजुएट की बारी आई तो मैंने उनको बोला कि मुझे मुंबई ही जाना है, लेकिन मेरा असली मोटिव मुंबई आने का था कि मैं एक्टिंग करूं। सो पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक्टिंग करी। मैंने अपना बैचलर्स ऑफ मास मीडिया किया है स्कूल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन से। और साथ में मैंने बहुत सी एक्टिंग क्लासेस करी, थिएटर किया, डांस किया, बहुत एड्स करी, म्यूज़िक वीडियोज़ करी, प्रिंट्स करे, ज्वेलरी एड्स करी, तो ये सब चलता रहा। और अब फाइनली मेरी फिल्म रिलीज होने वाली पहले है। में कहा नहीं कि आप कहाँ एक्टर बनने के, क्योंकि जब भी हम कहते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, तो हमारे घर वाले जो होते हैं अक्सर कहते हैं कि कहाँ उस लाइन में जा रही, गंदी लाइन है, वो कभी जी कहा? हाँ, तो नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि ये शायद एक भूत है, एक हवा है, उतर जाएगा। और उनने उतना सीरियस नहीं लिया जब तक मैंने ये करके नहीं दिखाया और अपनी अपनी शिद्दत और अपनी मेहनत से ये प्रूव नहीं करके दिखाया कि मैं सचमुच ये करना चाहती हूँ और कर सकती हूँ। हमारी बॉलीवुड में कहे तो बॉलीवुड में कई बार हमें कहीं ऐसे ऐसे खासकर महिला लड़कियों के लिए जी कई बार ऐसे ऐसे ड्रेस भी पहनने पड़े, जैसे बिकनी सूट हुआ, बिकनी पहनना पड़ेगा, जी किसिंग सूट है या फिर इंटीमेट सीन, मतलब दिखता है तो बिकता हाँ, है। इस सब सीन के लिए आप कितनी प्रिपेयर होकर तैयार होगी? आई थिंक मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जो भी आता है। आई थिंक हमारा इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो रहा है, चेंज हो रहा है, लोगों का माइंडसेट, कल्चर और मॉडर्नाइज हो रहा है, और ये सब चीज़ें इतनी एम्फसाइज नहीं करनी चाहिए। यू शुड एम्फसाइज ऑन द प्लॉट एंड यू शुड एम्फसाइज कि वो चीज़ वहाँ क्यों है। अगर गलत रीज़न की वजह से है तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो स्क्रिप्ट की डिमांड है तो ऑफकोर्स आई एम रेडी फॉर इट एंड इट शुड नॉट बी सच अ इशू। पंजाबी या सरदारनी लड़की सबसे पहली शुरुआत एल्बम से करती है, जी गिद्दा पंजाबी एल्बम हो कोई भी हो, पंजाब से निकलती है, उसके बाद यहाँ तक पहुँचती है। तो क्या आपने कोई पंजाबी एल्बम वगैरह किया है? मैंने पंजाबी एल्बम तो नहीं करी, लेकिन मैंने एक म्यूज़िक वीडियो करी है डीजे सुकेतु के साथ, इट्स जी म्यूज़िक कंपनी के साथ। सो पंजाबी तो नहीं करा पर ये कर लिया। हमेशा पंजाबी में बाजी मारी है बॉलीवुड की बात करें, चाहे वो यश चोपड़ा हो या सुभाष घई हो, कोई भी हो, या अक्षय कुमार हो या प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, कोई भी हो, तो क्या एक झुकाव रहता है बॉलीवुड की तरफ या फिर खून में रहता है कि बॉलीवुड में ही जाना है?
ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि मेरे में ये कीड़ा बचपन से था. जब से मैं स्कूल में थी, मेरे को हमेशा ये था कि मैं कैसे डांस करूँ और कैसे मैं कुछ ना कुछ परफॉर्म करूँ, चाहे वो पोयम रेसिटेशन हो या वो थिएटर हो या एनीथिंग. सो आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनिंग पीपल. और जहाँ तक पंजाबियों की बात है, हाँ, टॉलीवुड में भी दे लाइक पंजाबी फेसेस, जो जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे एज अ नॉर्थ इंडियन गर्ल एक आर्टिस्ट के तौर पे बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत प्यार मिला लोगों का. सो आई फील वेरी लकी कि मैं पंजाबी हूँ और आई एम वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग. जी बहुत सीखी लैंग्वेज तो सीखनी पड़ी, क्योंकि इवन दो मेरी फिल्म डब्ड है, लेकिन जो भी मेरी डायलॉग डिलीवरी है या जो कुछ है उसमें इट हैज़ टू बी इन सिंक विद द डबिंग. सो मेरे डायलॉग्स मुझे सब कुछ सीखने पड़े. माय कोस्टार इज नंदमुरी बालकृष्ण, हु इज ऑफकोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ तेलुगु इंडस्ट्री. एज वी ऑल नो, इट्स हिज 101st फिल्म. सो ये इस फिल्म के ऊपर बहुत हाइप है, क्योंकि उनके फैंस की इतनी एक्सपेक्टेशंस और आशाएं जुड़ी है इस फिल्म के साथ. तो मेरा उनके साथ इस फिल्म में एक्ट करना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था. सो आपको ये सवाल जो रहेगा वो आप कहेंगे कि व्हाई नॉट, व्हाई तेलुगु नॉट बॉलीवुड? आई वुड से कि बॉलीवुड भी ज़रूर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो जो रोल मिल रहा है और जो कवरेज मिल रही है इसमें, क्योंकि मैं एक फिल्म इंडस्ट्री से नहीं बिलोंग करती, सो आई हैव टू मेक माई मार्क. एंड जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जो जो जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, मुझे इतना कोई इंटरेस्टिंग रोल बॉलीवुड में ऑफर किया नहीं गया था. सो मुझे लगा कि आई विल हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू शो माई टैलेंट इन दिस फील्ड. एंड जब मुझे ऐसा लगेगा कि बॉलीवुड मुझे बहुत अच्छे तरीके से अपना रहा है और कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर है, तो मैं ज़रूर बॉलीवुड को भी एक्सेप्ट करूँगी. आप किसी कपूर फैमिली से नहीं हैं, बट फैमिली से नहीं है, खान फैमिली से नहीं है, तो हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है. तो अपने बलबूते पे आप संघर्ष की बात करें, कितना संघर्ष किया आपने यहाँ तक, स्ट्रगल की अगर बात करें? हाँ, ऑफ कोर्स स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट भी रहा है. तो मैं बोलूँगी कि जो लोग जो बहुत स्मॉल टाउन से आती हैं लड़कियाँ, और जिनके पास पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं होता, और वैसा नहीं रहा है मेरा स्ट्रगल, लेकिन ज़रूर मैंने वो हर चीज़ सही है, ऑडिशंस में रिजेक्शन और तरह तरह के टेस्ट करना, और ऑल दोज थिंग्स विच एन एक्टर एंड आर्टिस्ट रियली हैज़ टू डू, आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट. एंड मेरी लाइफ ईजी नहीं थी, मेरी ये जर्नी ईजी नहीं थी. बहुत ऐसे टाइम से जब मेरा मन करता था कि ये क्या है, मैंने ये क्यों चुना है, और इतना अकेलापन महसूस होता है इतनी बड़ी शहर में अकेले रहने में, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इट्स ऑल वर्थ इट, बिकॉज आई थिंक अल्टीमेटली वेन योर ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू, इट्स ऑल वर्थ इट. आपका रोल की बात करें, किस तरह का स्टोरी क्या है, एक लाइन में अगर बात करें आपसे? मेरा रोल मेरे से बहुत मिलता जुलता कैरेक्टर है. एक 21-22 साल की लड़की है, कॉलेज गोइंग लड़की है, और आई एम प्लेइंग श्रेया सरन सिस्टर इन द फिल्म. सो वी बोथ हैव वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फिल्म. सो आई कॉन्ट टेल यू वॉट हर, बिकॉज उसका बहुत इंटरेस्टिंग नैरेटिव और प्लॉट है जो इंटरवल के पहले डिस्क्लोज होता है. सो मैं आपको ये नहीं बता सकती कि क्या है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि जो भी कैरेक्टर है वो मेरे से बहुत मिलता जुलता है, उसकी भावनाएँ, उसका स्वभाव, सब कुछ मेरे से बहुत मिलता जुलता है. तो उस कैरेक्टर के स्किन में घुसना मेरे लिए काफ़ी ईजी था और बहुत मज़ा आया, क्योंकि इट वॉज समथिंग आई कुड प्ले विद ऑनेस्टी. मैं सच्चे मन से वो कैरेक्टर को निभा पाई. फिल्म का टाइटल क्या है पूरा? पैसा वसूल. अच्छा, पैसा वसूल की बात करें तो ये मूवी कितना पैसा वसूल होने वाली है, और आप इस पैसा वसूल तक पहुंची कैसे? जी ये मूवी बिल्कुल धमाकेदार पैसा वसूल होने वाली है, क्योंकि इस मूवी में एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, इतने बड़े बड़े स्टार्स है. पूरी जगन्नाथ इज डायरेक्टिंग इट, ह्यूज बिग बजट फिल्म, बहुत एक्साइटमेंट है. आई मीन ऑडियो लॉन्च पे 1,50,000 पीपल हैड कम इन खम्बम, विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बालकृष्ण सर. सो आई थिंक इससे बड़ा कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता कि हाउ एक्साइटेड पीपल आर. और
एज फार एज मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, आई थिंक हर चीज़ नसीब में होती है. जब आप चाहते हो कि कुछ हो वो नहीं होता, और जब आप नहीं चाहते हो तो एकदम हो जाता है. तो एक क्लियर कट आंसर नहीं है मेरे पास. मैं गई हैदराबाद, मैं मिली पूरी सर से, चार्मी कौर मैम से. सो उनने मुझे पसंद किया, दो तीन बार बुलाया, फिर एक लुक टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ, पूरा फोटोशूट हुआ. तब तक भी मुझे कुछ नहीं पता था, फिर एकदम से उनने बताया कि वी वॉन्ट टू कास्ट यू फॉर दिस फिल्म. तो आई थिंक इट वॉज अ मिरेकल फॉर मी. आपसे एक सवाल है कि साउथ में अगर इसकी जगह बॉलीवुड में आपकी एंट्री होती है तो ज़्यादा खुशी होती है कि साउथ में आप? जी मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि बॉलीवुड है या टॉलीवुड है. जहाँ मुझे अच्छी माइलेज मिले, जहाँ मुझे लोगों का प्यार मिले, जहाँ मैं अपना टैलेंट दिखा पाऊँ, मैं वहीं चलूँ. चाहे वो साउथ हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो मलयालम हो, इट रियली डजेंट मैटर. नाउ डेज विद बाहुबली कमिंग, आई थिंक यू गाइज शुड नॉट बी आस्किंग दैट क्वेश्चन, बिकॉज एवरीथिंग इज़ बिग. ओके, एंड वी आर इवन गोइंग इन द इंटरनेशनल मार्केट्स. यू नो, बालकृष्ण सर्स इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग इज मच बिगर than that in India's following. So it doesn't matter if it's Khan's or it's this or it's that. It should be where you can show your best. So whatever you do, everybody has an expectations. So what are your expectations for this movie? Well, yes, there are a lot of expectations. Everyone is saying, who is this new girl who has been casted with the Bala sir? And you know, I had a lot of pressure because the entire industry is looking forward to the songs and looking forward to the you know, performance of this film. So mujh pe pressure bahut tha, lekin I think wo pressure ek acche tarike mein convert hua, kyunki usne mujhe bahut motivate kiya ki mujhe acha hi karna hai, kyunki sabne ye dekhna hai aur this is my test. To ha, jo bhi pressure tha wo ek मोटिवेटिंग फैक्टर बना. जहाँ प्रेशर होता है वहाँ एक्साइटमेंट भी होता है, बिकॉज बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. उसके ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि मेरे सॉन्ग के प्रोमोज रिलीज हो गए हैं और फर्स्ट लुक आउट है. ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इट्स द नंबर वन ट्रेंडिंग ट्रेलर राइट नाउ ऑन यूट्यूब. So I'm very very excited, I'm very happy, and I want all of you to tune in and watch Paisa Vasool on the 1st of September. Malle sardarni phate chak degi, bilkul chak degi. Apna idol kisko mante hain aap? Main apna idol Priyanka Chopra ko manti hu. I think usne jitne stereotypes break kiye hain, aur jaise Punjabi hone ke karan. नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं. जस्ट एज एन आर्टिस्ट आई थिंक वो जिस तरीके के रोल्स करती है, चाहे वो एक ऐतराज मूवी हो या एक यू नो ये बाजीराव मस्तानी हो या क्वांटिको हो या बेवॉच हो, शी इज़ अ रॉक स्टार. एंड यू नो, फॉर अ गर्ल टू कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड डू दिस, आई रियली लुक अप टू हर, एंड आई थिंक शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी पीपल. आपको जब इसके बाद में आपको जो पहली बार कैमरा फेस किया था, कितने आप तैयार हो चुके हैं अभी? जी कैमरा जो किया था अभी मूवी की है, मतलब जो चाहिए था आपको मिल गया. इसके अभी क्या और तमन्ना है कि मुझे ये इसके साथ काम करना है बॉलीवुड में? मेरे बहुत से फेवरेट डायरेक्टर्स हैं, जैसे इम्तियाज अली एंड संजय लीला भंसाली, और ये सबके होते हैं यू नो कुछ मस्ट वर्क विद डायरेक्टर्स विपुल शाह. सो आई वुड लव टू वर्क विद ऑल ऑफ देम, बट ऐसा नहीं है कि मैं कोई इन्हीं के साथ काम करना चाहती हूँ. आई थिंक कुछ भी हो सकता है. आजकल की इंडस्ट्री इतनी एक्सपेरिमेंटल हो गई है, और आजकल इतनी नई टाइप के सिनेमा और जॉनर्स एक्सेप्ट हो रहे हैं. जैसे अश्वनी अय्यर तिवारी, शी इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर. आई लव द काइंड ऑफ सिनेमा शी मेक्स, इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी सिंपल बट ब्यूटिफुल. सो आई जस्ट होप कि आई गेट दोज काइंड ऑफ यू नो परफॉर्मेंसेज जो लोगों के दिल को छुएँ और जो बहुत ही मास एक्सेप्ट करे. सो या 4 साल में इतनी बड़ी उपलब्धि मिलना बहुत बड़ी बात है. 3 साल में कितनी ऐड कर चुके हैं? बड़ी ऐड कौन सी जो आपको? मैंने काफ़ी सी एड्स करी हैं, पढ़ते पढ़ते साथ साथ आई वाज डूइंग लिटिल बिट ऑफ वर्क एज अ मॉडल. आई हैव डन मॉडलिंग, आई हैव डन कमर्शियल लाइक डाबर, सिस्का, RNM ज्वेलर्स. आई हैव डन so many ads, I have Panasonic, Maggie. So yeah, I've done lot of commercials and अपने फैंस को, फैंस तो आपके बन ही गए होंगे, नेचुरल सी बात है. तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नए नए हैं फैंस को बस यही बोलना चाहूँगी, अपना प्यार देते रहो और हमें सपोर्ट करते रहो, क्योंकि हम जो भी आपके वजह से हैं और आगे भी आपकी ही
प्यार की वजह से बनेंगे. तो कीप सेंडिंग योर लव एंड कीप गिविंग अस गुड विशेज एंड लव यू ऑल.